हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे एक नए ब्लॉग वीडियो में। 3 बज चुके हैं शाम को। आज सोच रहे चलने के लिए ब्लॉग शूट करने के लिए कुलकुला स्थान देवी मंदिर है, जो जंगल के एकदम बीच बीच में है। बहुत बड़ा जंगल है, नदी है उसी के बाजू में है। काफ़ी फेमस मंदिर है और वहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती है। तो अभी तो मतलब कोई मेला का सीज़न नहीं है, फिर भी चल कर हम लोग शूट करके दिखाएंगे। हम जंगल के अंदर काफ़ी घना जंगल है और जंगल में काफ़ी बहुत अंदर है मंदिर, तो हम चल के दिखाएंगे आप लोगों को। बहुत अच्छा ब्लॉग होने वाला फ्रेंड, मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। पूरा जंगल के रास्ते से हम चलेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को, तो बने रहे हमारे साथ। देख सकते हैं फ्रेंड, है हाथी है, उसके पीछे ऊँट चल रहा है, वही मंदिर पर जा रहा है। ये ऊँट है और ये हाथी, देख सकते हैं कितना बड़ा है। और इसी रास्ते से हम जा रहे हैं, देख कितना ढलान है, बहुत ज़्यादा ढलान है यहाँ से, और नदी यही है। यही नदी से हम आगे जाएंगे, बीच में देख सकते हैं कितना पतला पुल है और पानी अभी कम है, पानी बह रहा है, काफ़ी ढलान है। देख सकते हैं फ्रेंड, गाड़ी नीचे जा रही है और यहाँ से चढ़ान भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही हाइट पर चढ़ना है। देख सकते हैं नदी है और हाइट पर हम चढ़ रहे हैं, बाइक चढ़ नहीं रही है, एक नंबर पर करना पड़ेगा, फिर चढ़ेगी। थोड़ा रुक गए हम और फिर यहाँ से चढ़ेंगे, आप देख सकते हैं। और आगे से बकरी आ रही है, इसलिए हम लोग रुके हैं। काफ़ी ज़्यादा बकरियाँ हैं जो जंगल से चढ़ के आ रही हैं उसी मंदिर पर, ऐसा लग रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड कितना बकरियाँ हैं। और फिर हम चलते हैं, देखते हैं आगे कितना चढ़ान है। काफ़ी पतला रास्ता है और यहाँ से मोड़ है, देख सकते हैं फ्रेंड कितना चढ़ान है। और बालू वाला रास्ता है, पूरा मिट्टी कटा हुआ है, काफ़ी मुश्किल से गाड़ी चल रही है। देख सकते हैं फ्रेंड उसी मंदिर से लोग दर्शन करके आ रहे हैं, कितनी ज़्यादा औरतें हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये सारे लोग दर्शन करके आ रहे हैं मंदिर से। और आगे देख सकते हैं फ्रेंड लकड़ियाँ लेके भी आ रहे हैं, जंगल से चुन के लकड़ियाँ लेके आ रही हैं सब। और ये साइकिल से बच्चे लोग आ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, दिखा रहे हैं सामने मंदिर है। और ये क्या इतना ज़्यादा बंदर है, पहले शुरू में देख सकते हैं फ्रेंड कितना ज़्यादा बंदर दिख रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी बड़ा जगह है, मेला बहुत भारी मेला यहाँ लगता है, जंगल के बीचों बीच में फ्रेंड देख सकते हैं कितना ज़्यादा बंदर है यहाँ पे। और यहीं पे मेला लगता है, अभी मेला नहीं लगा है, एक दो दुकान दिख रही हैं, देख सकते हैं आप लोग। और ये मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, काफ़ी भीड़ लगती है और कितना ज़्यादा बंदर देख सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पर कोई प्रोग्राम था भजन कीर्तन का और ख़त्म हो चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा बंदर यहाँ पर इकट्ठा है। गाइस हम मंदिर पा चुके हैं, जो नदी पार करके, नदी देखें कैसे हम पार किए हैं, बहुत नीचे था और काफ़ी चढ़ान था, तो गाड़ी चढ़ नहीं रही थी लेकिन चढ़ गया। और काफ़ी पतला रास्ता था और यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा है। और मेला लगा था तो मेला ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे बंदर देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा है, आगे पीछे घूम रहे हैं। और दिखाए आप लोग को बैक कैमरा से दिखाया हूँ, बंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मंदिर है। कुलकुला स्थान देवी का मंदिर है, ये काफ़ी बड़ा है जगह, मेला बहुत भारी लगता है। मेला क्योंकि यहाँ ख़त्म हो चुका है तो मैं लेट आया हूँ, तो फिर भी आप लोग को हम दिखा दे रहा हूँ पूरा चारों तरफ से भी आप लोग को, मंदिर का भी। तो बहुत मज़ा आएगा गाइस, और भी आगे चलेंगे जंगल में दिखाएंगे, पूरा नदी के साइड में मंदिर है और चलते हैं फिर आगे देखते हैं। और क्या देख सकते हैं, यही मंदिर है और माँ कुलकुला देवी मंदिर है, ये दिलीप नगर कुशीनगर लिखा हुआ है। और बंदर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बंदर है। और एक मंदिर आगे है और यहाँ पे जो कीर्तन भजन का प्रोग्राम था ये ख़त्म हो चुका है, तो लोडिंगों का सामान जा रहा है। और देख सकते हैं बंदर कितना ज़्यादा है, बंदर बहुत ज़्यादा, अभी काफ़ी पेड़ के ऊपर भी हैं, इकट्ठा होते हैं तो बहुत ज़्यादा होते हैं, गिनती नहीं है कितना होंगे, आप लोग देख सकते हैं। और इधर चारों साइड बंदर ही आप लोग को देख रहे होंगे, कुछ दुकानें अभी लगी हुई हैं देख सकते हैं। और इसी रास्ते से आए हैं नदी क्रॉस करके, बहुत ढलान है, इधर से जाने पर और ढलान है, तो बहुत मज़ा आएगा गाइस, बने रहे हमारे साथ और दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखें कितना अच्छा जगह है, और ये नदी के साइड में है और चारों तरफ जंगल है और बाजू में नदी है, और यहाँ के रास्ते बहुत अच्छा है, रास्ता पर चलने में मज़ा आ रहा है। और बंदर बहुत ज़्यादा हैं और मेला यहाँ पे ख़त्म हो चुका है,
और मैं इसी मकसद से आया था कि अब मेला लगा होगा तो वीडियो बनाऊंगा। मंदिर तो है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा जगह है, बहुत बड़ा जगह है। इधर भी मंदिर है, देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी खूबसूरत जगह है। मैं यहाँ पे आया था ब्लॉग शूट करने के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत काफ़ी जगह है यहाँ पे, और मौसम भी यहाँ का अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मेला तो खत्म हो चुका है, मगर फिर भी अच्छा लग रहा है। और आगे चलते हैं, देखते हैं और जगह पे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And देख सकते फ्रेंड, हम जंगल के एकदम बीचों बीच में आ चुके हैं, और चारों तरफ देख कितना सन्नाटा है, बंदर ही सिर्फ नज़र आ रहे हैं, और कहीं जंगली जानवर ना आ जाए यही डर लग रहा है। तो फटाफट हम यहाँ से निकलेंगे। ये भी एक स्थान है, यहाँ पे पूजा वूजा होता है, ये भी पूजा स्थल ही है। देख सकते हैं चारों तरफ पेड़ पर जो बांधा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। और मैं यहाँ से फटाफट निकलूँगा क्योंकि बहुत डर लग रहा है कहीं जंगली जानवर ना आ जाए। तो गाइस हम निकलते हैं फिर जंगल के रास्ते से, फिर आप लोग को दिखाते हैं कितना घना जंगल है और कितना अंदर मैं आया हूँ। और आगे थोड़ा और चल के दिखाता हूँ, नदी नदी इसी साइड में है, सब नदी के साइड में ही जंगल है, और हमें डर लग रहा है फिर भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है। और हम डर डर के तो वीडियो बना रहे हैं। इस देख सकते हैं नदी है, नीचे बंदर भी हैं, कहीं झपट न ले। तो देख सकते हैं आप लोग कितना नीचे है नदी, काफ़ी नीचे से बह के आई है। तो चलते हैं फटाफट, और भी जंगल के सीन दिखाते हैं आगे, तो बना रहे हमारे साथ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on we'll go.
देख सकते हैं फ्रेंड, अब हम वापस जंगल से बाहर जा रहे हैं उसी रास्ते से, उसी पुल पे, और आगे कितने सारे बंदर हैं। हम नीचे उतर रहे हैं, हम पुल के पास जा रहे हैं और बंदर रास्ता रोक के रखे हैं। देखते हैं रास्ता देते हैं कि नहीं। हटो, जाने दो, जाने दो। और ये रास्ता दे दिए हैं और आगे हम जा रहे हैं, और हाइट पे चढ़ना हमको, और बाहर निकलेंगे फिर आगे का सीन आप लोग को हम दिखाएंगे। बने रहे हमारे साथ। देख सकते हैं फ्रेंड, हम ज़्यादातर गाड़ी से ही हम सफ़र कर रहे हैं जंगल के अंदर, बाइक से ही। और देख सकते हैं कितना ढलान है इधर से और उधर से, कितना चढ़ान है, और बीच में नदी है, पुल लगा, इतना सारा बंदर है। और मैं बाइक लेकर आया हूँ तो देखें आप लोग कितना ज़्यादा बंदर थे। और ये जंगल साइड में मैं खड़ा हूँ, बंदर बहुत ज़्यादा, गिनती नहीं है, जंगल है तो बंदर रहेंगे ही। और काफ़ी मैं जगह बाइक से ही चल के आपको दिखा रहा हूँ शूट करके। और लोग अपने अपने आस्था से आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। काफ़ी अच्छा अच्छा मंदिर है, दो जगह आप लोगों को हम दो जगह मंदिर दिखाए हैं। मेला यहाँ पे लगता है मार्च अप्रैल के महीने में, और इससे भी पहले मेला लगा था, तो आप लोगों को हम दिखाएंगे आगे और चलते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे चार घोड़ा है, कितना अच्छा अच्छा लंबा चौड़ा घोड़ा है। और यहाँ पे भी एक मार्केट है, और नदी पे पुल बन चुका है, पहले पुल नहीं बना था। और यहाँ मार्केट भी लगने लगा है, आप लोगों को दिखाएंगे मार्केट पूरा। और ये पुल पहले नहीं था, पुल बन चुका है, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ का। अब चौराहा मार्केट बन गया है, और यहाँ पे नया मंदिर भी बन गया, आप लोग देख सकते हैं नया मंदिर का निर्माण हो चुका है। और ये मार्केट पूरा लगता है, और बाजू में गाँव, तो दिखाते हैं आप लोग आगे चल के पुल पर। देख सकते हैं आप लोग, इसे जंगल के अंदर बहुत बड़ा जंगल है, ये काफ़ी बड़ा है। हम पूरा जंगल घूमे हैं और कुछ जगह आप लोग शूट करके दिखाए हैं, तो ये देख सकते हैं आप लोग, मंदिर का निर्माण हुआ है नया, पहले मंदिर नहीं था, मंदिर भी बन चुका है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम पुल पे आ चुके हैं, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का, आप लोग देख सकते हैं चारों साइड का, पीछे नदी है, काफ़ी लंबा पुल है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ का व्यू। देख सकते हैं आप लोग नीचे कितना नीचे है, देख सकते हैं आप लोग बहुत ऊंचा पुल है, और ये पूरा पीछे का नदी देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छा जगह है। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लोकेशन पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।